सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी से उपजा विवाद पहुंच चुका है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से गुहार लगाई गई है कि वे एक ऐसे उन्मादी और नफरती बयान पर न्याय करें जिससे सनातन धर्म में आस्थावान करोड़ों लोगों की भावना को ठेस पहुंची है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए विवादित बयान, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के जैसा बताकर उसे खत्म करने की बात कही थी, उस पर जोरदार विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। याचिका में डीएमके सांसद ए राजा का भी नाम है, जिन्होंने स्टालिन के बयान का समर्थन करते हुए सनातन को एड्स जैसी घातक बीमारी के जैसा बता दिया था। इन दोनों के ही खिलाफ ये याचिका विनीत जिंदल की ओर से दायर की गई है। ऐसे में अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार है। हालांकि आपको बताते चलें कि साल 2007 में जब वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, तब उनके सामने धार्मिक आलोचना से जुड़ा एक ऐसा ही मामला आया था। उस समय विवाद एडवोकेट आरवी भसीन की किताब इस्लाम अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्ल्ड इनवॉइस बाय मुस्लिम्स पर उपजा था, जिस पर उनका विरोध करते हुए तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। भसीन पर आरोप लगाए गए थे कि उनकी किताब धार्मिक आलोचना करती है जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। उस समय इस मामले की सुनवाई कर रही 3 जजों की बेंच, जिसमें देश के वर्तमान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी शामिल थे, उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा था कि हमारे संवैधानिक ढांचे में हर किसी की आलोचना की जा सकती है और इसमें धर्म भी कोई अपवाद नहीं है, यानी धर्म कोई भी हो उसकी आलोचना पर रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन अब जबकि ताजा मामला उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है, तो ऐसे में विचार करने की बात यह है कि क्या कोर्ट इस मामले में भसीन वर्सेस महाराष्ट्र सरकार के जैसा ही फैसला सुनाएगी और क्या उदयनिधि स्टालिन को भी राहत मिलेगी। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर भी है कि आलोचना करनी बुरी बात नहीं है, लेकिन की जाने वाली आलोचना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, यानी ऐसी आलोचना है जिससे कुछ सुधार आता हो, या फिर डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है जिससे क्षति पहुंचती है। उदयनिधि वाले मामले में जिसमें उन्होंने सनातन की तुलना मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से की और जिससे लोग आहत हुए, वो प्रथम दृष्टया कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो नहीं लगता, यानी ये कोई ऐसी आलोचना नहीं लगती जिससे समाज में सुधार आता हो, उल्टे इससे सनातन में आस्थावान लोगों के मन में कटुता जरूर भर गई है। जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है उसमें उदयनिधि स्टालिन के साथ साथ डीएमके सांसद ए राजा का भी जिक्र है। याचिका में कहा गया है कि उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान के बाद उनकी ही पार्टी के सांसद ए राजा ने भी सनातन धर्म को लेकर एक विवादित बयान दिया। दायर याचिका के मुताबिक डीएमके नेता ए राजा ने कहा कि सनातन धर्म की तुलना एड्स से की जानी चाहिए, जिसके साथ सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने डेंगू और मलेरिया से तुलना करके विनम्रता दिखाई है। अभी ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में है। हो सकता है कि इस याचिका पर अब खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ संज्ञान लें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।